सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आ गए एक और नए वीडियो साथ में। तो गाइस, हम आ गए चुके हैं एक भाई बिल्कुल अलग इस टाइप का, मतलब सॉरी, इस टाइप का मेरे चैनल पे कोई भी फोटो नहीं था, जैसे स्मोकिंग, ठीक है। तो आज भाई फर्स्ट टाइम इस टाइप का फोटो लेके आ चुके हैं। तो गाइस, अगर आप लोग ऐसा फोटो एडिट करना चाहते हो स्मोकिंग वाला, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और हमारे चैनल पर जितने लोग नए आए हुए हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना है, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। और आप ऐसे ऐसे भाई एक से ज़्यादा अलग गजब गजब का फोटो एडिट करके आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहें। तो चलिए गाइस, बिना देर के इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप इस पोज में एक फोटो क्लिक कर लेना है और उस फोटो को शेयर कर लेना है आपको लाइट रूम ऐप में, ठीक है। तो गाइस, मैंने अपने फोटो को लाइट रूम ऐप में शेयर कर दिया। उसके बाद लाइट रूम को ओपन कर लेना है और उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, मैंने अपने उस फोटो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबको जाना है लाइट्स में, ठीक है। लाइट में सब स्क्रॉल करना है और ब्लैक जो है उसको कम कर देना है, ठीक है। ब्लैक को कम करने वास्ते आपको व्हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इतना करने वाला सबको जो हाईलाइट दिख रहा होगा, हाईलाइट को कम करना है और वाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो आप सेटिंग देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो यही सेटिंग आप रखना, ठीक है। एक्सपोजर को थोड़ा सा आप कम कर सकते हो और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो इतना करने बाद से आप सेटिंग एक बार देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो, इतना सेटिंग आप लोग कर लेना, ठीक है। इतना करने वाला आपको करना है इफेक्ट में आने के बाद टेक्स्चर को बढ़ा लेना है, क्लियरिटी को बढ़ा लेना है और डीजी को थोड़ा सा भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। इतना करने बाद हम आ जाएंगे डिटेल्स में। अभी हम विगनेट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, इसमें मिड पॉइंट को थोड़ा और कम कर लेंगे और भाई फीदर को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे साइड साइड जो ब्लैक सर्कल है वो बन जाएगा। उसके बाद हम डिटेल पे आएंगे, शार्पिंग को बढ़ाएंगे, रेडियस और डिटेल को कम कर लेंगे, आप देख लो। उसके बाद मास्किंग को बढ़ाएंगे, नॉइस रिडक्शन को बढ़ाएंगे, यहाँ पर डिटेल को छोड़ देना यार, कम बेसी मत करना, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, कलर नॉइस को बढ़ा लेंगे, डिटेल और स्मूथनेस को आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और तो ऐसे मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कलर पे आएंगे, मिक्स पे क्लिक करेंगे। इतना करने बाद आपको आ जाना भाई ग्रीन पे, ग्रीन को जो यू है उसको कम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम रेड पे आएंगे, यू को कम करेंगे और सिचुएशन को बढ़ा देंगे और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इस प्रकार से भाई आपके ड्रेसेस में और भी सारे कलर्स होंगे, कलर को चूज करके भाई जैसे मैंने अभी सेटिंग किया, बिल्कुल इसी प्रकार से आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज पे जाएंगे, सिचुएशन कम करेंगे, ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे तो फेस व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा येलो पे भी यही सेटिंग करेंगे, सेचुरेशन को कम करेंगे, एल्यूमिनियंस को बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हो येलो भी थोड़ा वाइटनेस वाइट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से भाई आप और भी कलर को चेंज कर सकते हो। तो गाइस, मैंने इस पर सारे बहुत सारा वीडियो बना रखा है कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आप वो सभी वीडियो देख के कलर ग्रेडिंग करना आप सीख सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा छेड़खानी आपको बिल्कुल नहीं करना, आप अपने भाई फोटो को यहाँ से शेयर करना है। तो आपको ऊपर देख रहे हो शेयर का आइकन, ठीक है, उस शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है। तो आपका फोटो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद से भाई एक डिस्प्ले ओपन होगा पॉपअप, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ डिस्प्ले ओपन होगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोटो को शेयर करना है, तो आपको अपने फ़ोटो को शेयर करना है इस ऑटोडेस्क स्केच बुक में, ठीक है। तो मैंने अपने फ़ोटो को ऑटोडेस्क स्केच बुक में कर लिया है शेयर। इतना करने के बाद भाई हम सबसे पहले फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो फेस स्मूथ करने के लिए हम टूल्स में जाएंगे और इसमें एक आपको ब्रश चाहिए, स्मज राउंड ब्रिटिश ब्रश, और सेटिंग आप देख लो फ्लो और स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो इतना करने बस आपको अपने फेस पे ब्रशेस करना है। तो जैसे गाइस मैं ब्रशेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो फेस स्मूथ होता जा रहा है। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से भाई ब्रशेस करना है। तो गाइस, मैंने पोल रखा था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो सबसे ज़्यादा भाई कॉमेंट आया स्मोकिंग पे और फेस स्मूथ पे। तो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना भाई दोनों एक ही वीडियो में कवर कर लें, इसके लिए दो वीडियो क्यों बनाया जाए। तो गाइस, मैंने उन दोनों टॉपिक को भाई एक ही वीडियो में भाई कन्वर्ट क्या बोलते हैं जो भी हो एक ही में मैनेज कर लिए, ठीक है। तो आप लोग भी मैनेज कर लेना। तो आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छे से हमने अपने फेस को स्मूथ कर लिया। तो आप बिल्कुल भाई आराम आराम से ब्रशेस करना, ठीक है। ज़्यादा भाई कोई जल्दीबाजी मत करना, वरना भाई चेहरे पे ब्लैक सा बन जाएगा, क्योंकि बाल अगर फेस पे रहेगा तो ब्लैक सा बन ही जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने जो साइड में था उसको भी फेस को स्मूथ कर लिया, ठीक है। तो हम इसमें और भी ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो चलो इस थोड़ा सा हम इसमें भाई कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ग्रिड पे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा ग्रिड, तो आप इसमें से कोई भी ग्रिड ले सकते हो। तो चलो मैं पहले ये ग्रिड देखता हूँ, इससे गाइस इससे शायद हमारा काम नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई इसमें छोटा कर रहा था तो नहीं हो पाया। तो मैंने ये भाई रोटेशन वाला जो है इसको ले लिया, क्योंकि गाइस इसको हम जितना चाहें उतना रोटेट कर सकते हैं। और गाइस, इसमें एक बात मुझे अच्छा ये लगता है कि जहाँ से रोटेट हुआ है और जो लाइनें आप कट करोगे वो लाइनें वहीं से मुड़ेंगी, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी कट मारना है आप वहाँ से रख लेना, और फ्लो को और स्ट्रेंथ को देख लो, ठीक है। आपको इतना रखना और साइज़ भी देख लेना गाइस, ठीक है। तो आपको यही साइज़ रखना, उसके बाद आपको लाइन कट करना है। तो आप जहाँ से कट करोगे ऑटोमेटिक वहाँ से कट हो जाएगा, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर कट हो गया होगा। उसके बाद आपको ऊपर लेके जाना है,
आपको बालों के पास में, ठीक है। तो अभी देख पा रहे हो जैसे मैं अपने बालों में एडजस्ट कर रहा हूँ, सिंपली आपको इसी प्रकार से एडजस्ट करना है और साइज़ को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि भाई जो बालों में जो कट मारा जाता है उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता है तो ही अच्छा लगता है। इतने करने वास्ते आपको वहाँ पर भी एक कट मार लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने वहाँ पर भी कट मार लिया, तो आप नीचे देख सकते हो जैसे मैंने कट मारा है तो कान पर जो भी ईयर है वहाँ पर ब्लैक चला गया। तो उस ब्लैक को कम करने के लिए हम फेस को वहाँ पर स्मूथ कर देंगे, ठीक है। तो फेस स्मूथ में फ्लेक फ्लो और स्ट्रेंथ को 5-15 पर रख देंगे और वहाँ पे ब्रशेस कर देंगे। तो जैसे मैं ब्रशेस किया आप देख सकते हो कितने अच्छे से भाई फेस से हमारा सही हो चुका है। तो अभी हमारा काम भाई यहाँ का ख़त्म हो चुका है, हम इसमें ज़्यादा कुछ और भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना करने वाले सब अपने फ़ोटो को शेयर करेंगे, इसमें ज़्यादा चेंजेस कर देंगे तो बेकार हो जाएगा। तो शेयर क्लिक करेंगे, अदर्स पर क्लिक करेंगे और अपने फ़ोटो को शेयर कर लेंगे स्नैपसीड ऐप में, जो आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाओ प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर लेना। तो आप भी हम ढूंढते हैं हमारा स्नैपसीड आएगा, तो ये रहा हमारा स्नैपसीड। तो इसमें जाने के बाद सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे, सिलेक्टिव टूल पे जाएंगे। आप देख सकते हो हैंड मेरा ब्लैक है, तो वहाँ ब्लैक पे क्लिक करके और ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली सा डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको फिर से टूल्स में जाना है। चलो यार टूल्स में क्लिक करेंगे, टोनल कंट्रास्ट पर जाएंगे और मिड टोन को भाई कम कर लेंगे, ठीक है। जो आप मिड टोन को थोड़ा सा कम करेंगे और हाई लो टोन से उसको बढ़ा लेंगे, और भाई जो हाई टोन से उसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भाई शेयर वाला आइकन में क्लिक करके अपने फ़ोटो को शेयर करना है, क्योंकि ज़्यादा भाई इसमें हम चेंजेस नहीं करने वाले हैं। और यहाँ शेयर वाला आइकन में क्लिक करें, अभी अपने फ़ोटो को आपको शेयर कर लेना है पिक्सार्ट ऐप में, ठीक है। कहाँ पिक्सार्ट, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, रिसाइज पर जाएंगे, जहाँ 1 है वहाँ 2 कर देंगे, तो 2 3 6 से 1 हो जाएगा। तो उसके बाद रिसाइज पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोटो की क्वालिटी बनी रहेगी। उसके बाद हम एडजस्ट में जाएंगे और शेडो पर जाएंगे और थोड़ा सा कम कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो ब्लैक ब्लैक सा था वो और भी अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। जितना करना है हम ऐड फोटो में जाएंगे, और ऐड फोटो में जाने के बाद से जो स्मोक का है, ठीक है, जो PNG है उसको ऐड कर लेंगे और जो फायर वाला है उसको भी ऐड कर लेंगे। तो इन सभी का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम चैनल में फोटो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने स्मोक लवर को यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ फायर को पहले डिलीट करता हूँ, वरना भाई बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे तो भी कलर चेंज हो जाएगा, तो उसको नहीं हम अभी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम FX में जाएंगे, FX में जाना से कलर में जाना है, क्योंकि हमें कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का। तो कलर में जाएंगे, कलर रिप्लेस पर जाएंगे और आपको ड्रैग करके लाना है येलो पे। तो जैसे आप येलो पे लाओगे देखो कलर चेंज हो गया, तो ऊपर वाला जो कलर है उसको चेंज करके आपको स्काई ब्लू में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इतना करने वाला आपको इरेजर टूल पे क्लिक करना है। जैसे इरेजर टूल पे क्लिक करोगे आप हार्डनेस को देख सकते हो और ओपेसिटी को भी देख सकते हो। उसके बाद आपको ब्रशेस करना है, जैसे देखो मैं ब्रशेस कर रहा हूँ, तो इसी प्रकार से आपको ब्रशेस करना है। अगर कहीं एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पर ब्रशेस किया तो आप देख सकते हो उंगली के ऊपर एक्स्ट्रा हो गया, तो आपको और भी थोड़ा जूम कर लेना है अपने फोटो को। जूम करोगे तो एक्स्ट्रा कटेड नहीं होगा, और अगर फिर भी कट जाए तो आपको क्या करना है, रिस्टोर पर क्लिक करना है और उन सभी को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप फिर से इरेजर पे क्लिक करके आपको अपने फेस पे जो भी कलर्स आए होंगे, हैंड पे, फेस पे, ड्रेसेस पे, उन सभी कलर को रिमूव कर लेना है, जैसे मैं भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गाइस वीडियो को कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, तो आप भी आसानी से देख लेना, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो बाद में कोई और भी वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप एक वीडियो में बहुत आसानी से अपना फोटो एडिटिंग सीख सकते हो। और इसी प्रकार से आपको आगे कोई भी वीडियो देखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना ही की मदद से आगे का भी आगे का जो भी फोटो आपको बनाना होगा वो बना सकते हो, ठीक है। तो अभी नीचे का जो ब्लैक्स है उस वजह से हम भाई जो कलर इसको हटा लेते हैं। तो आप देखो मैंने यहाँ पे हटाया तो येलो पे चला गया, ठीक है। तो येलो से हम रिस्टोर पे क्लिक करके जो येलो वाला है उसको रिकवर कर लेंगे, येलो को फिर से हटा देंगे, वो भी स्काई ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपको इतना ही रखना है, इसके वजह से सिंपली आपको सही वाला निशान पर क्लिक करके सही करना है और थोड़ा सा स्काई ब्लू और ज़्यादा कर लेना है, क्योंकि स्काई ब्लू कम था। तो हम चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करने के बाद सिंपली सही के निशान पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में, एड फोटो में जाने के बाद आपको जाना है उस फायर वाला आइकन, सॉरी फायर वाला जो भी है फायर उसको लेना है, और लेने के बाद से आपको इस प्रकार से उसको छोटा करना है, और छोटा करके क्या करना है आपको अपने उंगली पे लगा देना है। तो जैसे आप उंगली पे लगाओगे तो भाई फायर लग जाएगा, और इतना करने वास्ते आपको डन कर लेना है। फिर आपको जाना है कहाँ पता है, ऐड फोटो में, क्योंकि हमें एक और PNG ऐड करना है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको गैलरी में जाना है, जहाँ पे भी वो अपने वो PNG डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद स्मोक को लेना है, स्मोक को लेने वास्ते आपको फोटो को सिलेक्ट करना है स्मोक को, और ब्लेंड पे जाना है, और ब्लेंड पे जाना है इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको उसको अपने सिगरेट पे एडजस्ट करना है, जैसे चलो मैं इसको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। इसी प्रकार से सिगरेट पे एडजस्ट करना है, और जो नीचे वाला पार्ट बच रहा है उन सबको इरेज कर लेना है। तो इरेज करने के लिए आपको इरेजर टूल पे जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उन सबको इरेज कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा भाई जो भी हमने किया था अभी फोटो स्टार्टिंग में दिखाया था
उस प्रकार से हमारा फोटो गाइस एडिट हो चुका है। तो अब आपको अपने फोटो को सेव करना है फुल एचडी में। तो फुल एचडी में कैसे सेव कर सकते हैं, चलो गाइस मैं वो भी बता देता हूँ। तो फुल एचडी में सेव करने के लिए आपको ड्रॉ टूल में जाना है, ड्रॉ पे क्लिक करना है और भाई पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है और मर्ज कर देंगे दूसरे थ्री डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव करना है। तो गाइस बाय।